हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सब। सो आज की टॉपिक ये है कि आप आपके बाइक पे कैसे हजारों किलोमीटर राइड कर सकते हो एक सिंगल डे में। सो ऐसा हुआ कि ये वीडियो जो है अगेन रिक्वेस्टेड बाय यूजर्स है, जो कि मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में कमेंट किए थे कि कैसे आप इतना मतलब जो लंबा टूर रहता है उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो। हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू मेक 1000 किलोमीटर्स ऑन माय बाइक, आई ओन दिस बाइक दैट बाइक एंड आई डू 1000 किलोमीटर्स इन अ डे। सो उसके बारे में आज हम लोग जो है बात करेंगे। पहली बात आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि एज ऑन डेट 1000 किलोमीटर एक बाइक पे सिंगल डे पे राइड करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो एंड कोई भी बाइक पे कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो है रोड्स इंप्रूव हो चुका है, बाइक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है और लोगों में भी राइडिंग कल्चर इतना बढ़ चुका है एंड इतना एक्साइटमेंट लोगों में रहता है कि आप लोग कर सकते हो। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2003 पे मैंने पहली बार अपने बाइक पे जो है 1000 किलोमीटर एक दिन में किया था, टू बी प्रिसाइज 1025 किलोमीटर्स। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज टू ओन द बजाज पल्सर 150cc बाइक। सो मेरा बाइक मुझे अच्छी तरह से याद है, करीब 2-2.5 महीने में ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर कवर किया था मैंने एंड उसके बाद जो है पहली ये सबसे बड़ा लॉन्ग राइड मेरे लिए था। तो मैंने जो है हैदराबाद से लेके पूरी उड़ीसा जो मेरे होम टाउन है वहाँ तक राइड करने का प्लान किया था। एंड देन वॉट आई डिड, आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक 3:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह 3:30 बजे ऐसे निकला एंड निकल के ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं राइड कर रहा था एंड आई वॉज जस्ट अबाउट लाइक 25 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो ये जो टोटल राइड था ये करीब 1050 किलोमीटर्स का था। सैडली वो राइड थोड़ा फेल्ड हो गया, आई कुडंट रीच देयर विथ माई बाइक बिकॉज 25 किलोमीटर घर से था और काफ़ी फॉग था, कोल्ड सीजन था एंड देन देर वर लाइक फ्यू रॉबर्स, जो तीन रॉबर थे जो मेरा बाइक को एक मुझसे छीन के ले गए, मतलब वैसा कुछ हुआ था। चलो जो भी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर डे में आप अगर देखोगे तो 3:30 AM मैंने शुरू किया था एंड रात को 12 बजे तक आई डिड अबाउट लाइक 1025 किलोमीटर्स एटलीस्ट। सो उसका मतलब 1000 किलोमीटर तब 2003 में ही कवर हो गया था। तो अगर तब और आप आज की डेट पे अगर डिफरेंस आप देखोगे तो रोड्स का कंडीशन और भी बेहतर है जो पहले था। तब बहुत सारे पैचेस में रोड्स काम चल रहा था, गोल्डन कोऑर्डिनेटर अगर आप लोगों को सही तरीके से आप वो रोड पे गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे पैचेस में काम होता था, डाइवर्सन्स होता था एंड ऑल दैट। तो सही बात यह है कि आज के डेट पे अगर आप 1000 किलोमीटर चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। कुछ टिप्स हैं मुझसे जो आपको थोड़ा सा और ईजी कर लेगा आपकी 1000 किलोमीटर का राइड ईजी होने में, बस वही है। सो हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई एक्चुअली काइंड ऑफ डोंट लाइक दोज पीपल जो हज़ारों किलोमीटर रिकॉर्ड्स के वजह से करना चाहते हैं या फिर कोई रिकॉर्ड पाने के चक्कर पे करते हैं, बिकॉज आई एम ए राइडर एंड आई एक्चुअली एंजॉय माई राइड एंड मुझे वो लोग एक्चुअली पसंद नहीं आता है। मुझे वो राइड्स भी पसंद नहीं आता जो रिकॉर्ड्स के लिए होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक्चुअली दो रिस्क आप लोग ले रहे हो। एक तो आप आपके खुद के लाइफ के साथ रिस्क लेते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि यार मुझे इतना टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो वो हाईवे पे काइंड ऑफ एक रेस हो जाता है और हाईवेज आर नॉट मेंट फॉर रेस ऑब्वियसली। मतलब हाईवेज पे हम लोग राइड कर सकते हैं लेकिन रेस नहीं कर सकते एंड जस्ट इमेजिन कि 1000 किलोमीटर का रेस इज गोइंग टू बी रियली कॉस्टली फॉर यू, मतलब आपके लाइफ थ्रेटन हो सकता है। सो दैट इज वन पॉइंट वेर यू आर रिस्किंग योर ओन लाइफ, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो रिस्किंग अदर्स लाइफ। जब आप कोई रिकॉर्ड करते हो, पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, यूट्यूब पे पोस्ट कर लिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लिया, देन व्हाट हैपेंस, लॉट ऑफ पीपल दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड एंड सम पीपल दे फील लाइक अरे इसने रिकॉर्ड किया, मैं इसके रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। अब वहाँ पे जो है दूसरों के लाइफ भी आप खतरों में डालते हो, इसलिए ये जो 1000 किलोमीटर का जो भी है इसको रिकॉर्ड की वजह से मत करो। अगर आपको करना है, आपको आपकी खुद की जो कैपेबिलिटीज को स्टडी करना है, आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो बोलते हैं कि मेरा लिमिट्स को मुझे देखना है, फॉर दैट यू कैन डू, बट यू हैव टू मेक इट एज अ पॉइंट दैट दिस इज नॉट अ रेस एंड इसमें कोई चैलेंज नहीं लेना है। जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे थकान हो रहा है या फिर आई कांट डू इट, जस्ट स्टॉप ओवर, रेस्ट ले लो या फिर कहीं होटल है तो चेक इन कर लो, रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम यू डू इट। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कंप्लीट करना है। सो डोंट टेक इट एज अ रेस एंड डोंट रेस अगेंस्ट टाइम। अगर आपको करना है बस आपकी खुशी के लिए करो, सो यू कैन डू इट। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी सेफ्टी है, तो वो आप पहले देखो एंड उसके बाद जो करना है करो। चलो ठीक है, अब मैं आपको जो है 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो पहला पॉइंट जो है, जैसा मैं हर वीडियो पे अपना बोलता रहता हूँ, आपको कोई अच्छी क्वालिटी की एक राइडिंग गियर्स लेना चाहिए, एक अच्छी हेलमेट, एक अच्छा सा जैकेट। ये होने से क्या होता है मैं बताता हूँ कि आप जब हाईवे पर जनरली राइड करते हो क्या होता है ना, बहुत सारा विंड ब्लास्ट होता है आपको, बहुत विंड जो है आपको ऑपोजिट से आता है, डस्ट आता रहता है, वो सब कुछ होता है, इवन क्लाइमेट कंडीशंस जो भी हो वो भी हिट होता है आपको बॉडी को। तो आपके बॉडी को जितना ज़्यादा ये सब फोर्स लगा के हिट करेगा आप उतना टायर्ड हो जाओगे। तो उसके वजह से क्या है, अगर आपके राइडिंग गियर्स जो है क्वालिटी वाला है तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको आपको थकान थोड़ा कम लगेगा, तो उसके वजह से जो है आपकी
डिस्टेंस जो है आप ज़्यादा कवर कर सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। कमिंग डाउन टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को बहुत किलोमीटर्स एक दिन में कवर करना है तो आपको फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है। देखो एक चीज़ है, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं क्या फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ जब मेरे खुद का इतना बड़ा पेट है एंड हट्टा कट्टा दिखता हूँ। तो बात हट्टा कट्टा या पेट आने का नहीं है, बात यह है कि क्या आप पूरी की पूरी जो दिन है एक कुर्सी पर अगर आपको बिठाया जाएगा फॉर इमेजिन फॉर लाइक 15 to 18 hours, कैन यू सिट ऑन दैट चेयर या जो भी मतलब स्टूल या जो भी है उसके ऊपर बैठ सकोगे क्या? अगर आप कंटिन्यूसली बैठ सकोगे सो देर इज़ वेयर द फिटनेस थिंग एक्चुअली वर्क्स आउट। अगर आप में थोड़ा सा फिटनेस है जहाँ जिसमें कि आप इतना देर तक बैठ सकते हो, आपको बैक पेन नहीं आएगा या नेक पेन नहीं आएगा या फिर हैंड्स पेन नहीं आएगा, पैरों का पेन नहीं आएगा, देन यू आर फिट। तो उसके लिए आपको जो मिनिमल जो एक्सरसाइज चाहिए अगर आप करोगे, जैसे वॉकिंग थोड़ा अच्छा करो एंड देन ड्यूरिंग द डे ऑल्सो कीप वॉकिंग। सो मेरा भी वैसे ही होता है कि मैं जनरली आई एम नॉट सो फिट, लेकिन मैं दिन भर भागता रहता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, उसी की वजह से क्या है फिट हूँ। इसी की वजह से मैं इतना इतना लॉन्ग ट्रिप्स कर सकता हूँ, इतना ऑफ रोड्स भी थ्रू आउट द डे मैं ऑफ रोड कर सकता हूँ। फिर भी रात में अगर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरी की पूरी पूरा का पूरा दिन का राइड करूँगा एंड इवनिंग में अगर आप मुझे देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं कभी राइड करके आया हूँ, मैं इतना एक्टिव रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ। तो वैसे ही है मेरा सिचुएशन। मेरे दोस्त हमेशा बोलता है कि यार तुम इतना एक्टिव कैसे रहते हो, तो वो है बात। तो वो फिटनेस आपको जरूरी है। सो स्टैमिना के साथ जो है आपको पेशेंस भी बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए अगर आप थ्रू आउट द डे एक बाइक पर बैठ के बस इमेजिन के एक्सीलेटर से दबा के आप चला रहे हो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो वैसा होता है। सो दैट वॉज द थिंग। नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि नेवर ओवर स्पीड थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा तेज आप मत चलाओ। तेज चलाने से क्या होता है ना, आपको क्या होता है ना, आपको ये लगता है कि हम लोग तेज चलाने से हम लोग डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करेंगे, लेकिन शायद आप डिस्टेंस कवर कर भी लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो। क्यों थकते हो? क्योंकि जब आप बहुत तेज चलाते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग जो है और तेज फंक्शन करता है एंड उसको जो है ऑब्जेक्ट्स या फिर रोड पे बाइक को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होता है। दिमाग पे आँखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इवन ऑन योर बॉडी ऑल्सो यू टेक मोर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दी हायर एयर ब्लास्ट। मतलब आप बोल सकते हो कि और तेज एयर ब्लास्ट आपको हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर गया है, कहीं पर ओवरटेक करना है, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेते हो जिसकी वजह से आपका दिमाग आँखों और बॉडी जो है थक जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, पहला कुछ शॉट तक आप बहुत तेज साइड चला भी लोगे, उसके बाद आप बहुत थक जाते हो एंड आपको वीकनेस सा लगता है जिसमें आप फिर स्लो हो जाओगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड फॉलो करो, एवरेज स्पीड ले लो 70-80 का। अगर एवरेज स्पीड आप कर सकते हो तो आप इजीली कोई भी बाइक पे कर सकते हो हज़ारों किलोमीटर इन अ डे। सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आदत है फास्ट चलाना, शायद वो लोगों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा एंड वो लोग चला लेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल राइडर हो इट इज़ बेटर कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ मत चलाओ जिसमें आपकी दिमाग और दिल दोनों का धड़कने बढ़ जाएगा एंड यू नो वॉट आई मीन टू से। सो वो है बात, उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है एंड थकान भी ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ आवर थर्ड पॉइंट। कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो है ब्रेक्स आप कैसे लेते हो आपके लॉन्ग ट्रिप पे। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेते हो, देखो क्या होता है ना, हर ब्रेक का आप देख रहे हो कि टाइमिंग्स कितना है। जैसे मैं अपने मेरा राइडिंग स्टाइल कैसा है पता है, 100 से 150 ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स में एक ब्रेक लेता हूँ एंड जस्ट फॉर 5 मिनट्स पानी पीता हूँ, अगर सुसु करना है सुसु करता हूँ, देन अगेन आई सैडल अप एंड आई स्टार्ट राइडिंग। सो दैट इज़ द वे आई टेक ब्रेक्स एंड देन हाँ, मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी ब्रेक लेता हूँ, लंच के लिए लेता हूँ, बट आई मेक श्योर कि वो जल्दी हो जाए। मैं लाइक इट शुड गेट फास्ट। आई मीन अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ तो वही फूड जनरली ऑर्डर करता हूँ जो जल्दी ऑर्डर भी हो जाए एंड जल्दी खा के निकल सकता हूँ। एंड मेरे राइड में मैं थ्रू आउट द राइड आई कीप हाइड्रेटिंग माई सेल्फ। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करता हूँ, नारियल पानी मिल गया तब भी पीता हूँ, लेकिन मेरा ब्रेक्स जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। क्यों पता है, आप जस्ट इमेजिन करो अगर दिन में 5-5 मिनट का 20 ब्रेक्स ले लिए तब भी देखो 5 into मतलब हो गया 100 मिनट का ब्रेक ले लिए। तो वैसे ही है, तो जितना ज़्यादा आप ब्रेक्स लोगे जितना टाइम के लिए, अगर आप जितना टाइम लोगे उसमें आपका जो है पूरी की पूरी दिन में ज़्यादा यूज़ हो जाएगा टाइम ब्रेक लेने में। एंड क्या होता है ना, अगर आप लंबा ब्रेक लेते हो तो आपको बॉडी ना फिर क्या होता है टायर्ड होता रहता है, तो थोड़ा ब्रेक लेने से फिर सेटल हो जाता है, फिर देखो ना आप देखो कि सब कुछ लेट होता है, तो बेसिकली वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। सो वो हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप कोई भी, अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो बहुत बड़ा ग्रुप के साथ राइड मत करो।
एंड सेकेंड है आपकी आप स्ट्रेंजर के साथ आप राइड मत करो. सो ग्रुप के साथ इसलिए क्यों राइड नहीं करना है, बिकॉज ग्रुप पे जाने से क्या होगा, हर आदमी का राइडिंग स्टाइल डिफरेंट रहेगा एंड देन उनमें से बहुत सारे लोग स्टॉप हो रहे होंगे, किसी का बाइक खराब हो गया, किसी को पानी पीना है, सुसु करना है, सिगरेट स्मोक करना है, किसी को चाय पीना है, उस चक्कर में आपका भी जो है एवरेज जो डिस्टेंस मतलब पर आवर अगर आप देखोगे वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप शायद कवर नहीं कर सकते हो हजारों किलोमीटर. सिमिलर सिचुएशन विद द स्ट्रेंजर. तो स्ट्रेंजर के साथ राइड करने में एक बड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है, ये एक्चुअली इसलिए ये एक ही वजह है जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोले आई वांट टू राइड विथ यू, लेकिन मैं जनरली राइड नहीं करता हूँ, बिकॉज सी मेरा राइडिंग स्टाइल डिफरेंट है एंड द अदर गाय राइडिंग स्टाइल इज डिफरेंट. अनलेस एंड अंटिल मैं उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिप्स नहीं किया हूँ, मुझे कभी पता नहीं चला कि हाउ दिस राइडर इज. तो उसमें क्या होगा, आई ही माइट बी मोर फास्टर देन मी और आई माइट बी फास्टर देन हिम. वो शायद मुझसे ज़्यादा ब्रेक्स लेता होगा या फिर ब्रेक्स लेता ही नहीं होगा. तो वो सब में कम्फर्ट जोन नहीं आता एंड अगर आप राइड पे लॉन्ग राइड पे कम्फर्ट जोन नहीं आता है आपके पार्टनर के साथ, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो वो है बात. तो आप स्ट्रेंजर को जनरली अवॉइड करने से अच्छा है. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर टू कवर 1000 kilometers ऑन योर बाइक. सो आई होप कि इसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स. डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन की कुछ इसके बारे में जाने तो आप पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. चीयर्स गाइज़.